नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगर आप मांगलिक दोष से परेशान हैं, आपके मन में सदैव अशांति रहती है, तो आपके सारे दुखों का हो सकता है अंत। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा आजमगढ़, जहां मौजूद त्रेता युग के मूंगा गणेश का मंदिर, वहां मिलता है हर समस्या का समाधान। माथे पर मुकुट, गले में हार और खूबसूरत श्रृंगार, गणपति का ये रूप मन मोह लेता है। पूरी भव्यता से विराजमान गणपति की जब होती है पूजा आराधना, तब हर ओर गूंज उठता है बप्पा का नाम। गणपति की विशाल मूर्ति आजमगढ़ के रामघाट में बड़ा गणेश मंदिर में स्थापित है। हर रोज सैकड़ों हजारों भक्त यहां हाजिरी लगाते हैं और दर्शन से कर लेते हैं अपना जीवन सफल। आजमगढ़ के मूंगा गणेश, मूंगे से बनी है मूर्ति, 2 क्विंटल की है मूर्ति। यहां गणपति को मूंगा गणेश के नाम से पुकारा जाता है। रत्न के नाम से क्यों जाने जाते हैं गणपति, इसका जवाब भी इसी मूर्ति में छिपा हुआ है। ये मूर्ति करीब 200 क्विंटल की है और मूंगे से बनी हुई है। जी हाँ, वही मूंगा जिसे आप और हम धारण करते हैं अपनी उंगलियों में। कहते हैं मूंगे से बनी ये मूर्ति देश भर में अपनी तरह की इकलौती मूर्ति है। मूंगा गणेश के दरबार में श्री राम स्वयं भू है गणपति की मूर्ति। आजमगढ़ के मूंगा गणेश का ये मंदिर त्रेता युग का है और गणपति की मूर्ति स्वयं भू है। गणपति की महिमा उस काल में भी कुछ इस कदर फैली हुई थी कि खुद भगवान राम भी यहाँ खींचे चले आए थे। कहते हैं श्री राम अयोध्या से जब वनवास के लिए निकले, तब आजमगढ़ के मूंगा गणपति का आशीर्वाद लेना नहीं भूले। उसी दिन से इस जगह की महत्ता और बढ़ गई। बाद में एक भक्त ने अपनी मान्यता पूरी होने पर गणपति की मूर्ति को मूंगे से मढ़वा दिया। मूंगा गणेश के दर्शन भर से भक्त निहाल हो जाते हैं। वो जी खोल कर मांगते हैं अपनी दुआएं, और लंबोदर भी बिना देर किए उनके सभी मनोरथ कर देते हैं पूरे। कुंडली दोष होता है दूर, भर जाती है सूनी गोद। वैसे तो मूंगा गणेश से जो मांगो वो मिल जाता है, लेकिन विवाह की अड़चनों को दूर करने के लिए मूंगा गणेश कुछ ज्यादा ही मशहूर हैं। चाहे कुंडली दोष हो या फिर मनचाहे जीवन साथी की तलाश, गणपति देते हैं हर मुश्किल का समाधान। यही नहीं, कई भक्तों की तो सूनी गोद भी यहां आने के बाद भर गई है। हम लोग हर बुधवार को आते हैं, यहां भक्तों की बहुत भीड़ लगती है और यहां सभी मनोकामना पूरी होती है। जैसे किसी को बच्चा हो, बच्चा ना हो, नौकरी और व्यापार बिजनेस, हर चीज़ की मनोकामना जो मानता है उसके यहां गणेश भगवान जी पूरा करते हैं। और ये भगवान श्री रामचंद्र जी के ज़माने का मंदिर स्थापित किया गया है। यहाँ पे सच्चे दिल से मांगने पर हर एक चीज़ पूरी होती है। कहते हैं आजमगढ़ के इस मंदिर में गणपति के दर्शन के बाद भक्तों को मूंगा पहनने की जरूरत नहीं रह जाती। उनकी हर चिंता, हर कष्ट को गणेश अपने ऊपर ले लेते हैं। तभी तो सर्दी, गर्मी, धूप, छांव की परवाह किए बिना सैकड़ों भक्त यहां लगाते हैं जमावड़ा। राजीव कुमार, आजमगढ़, आज तक। मूंगे से
बने गणपति दक्षिण मुखी हैं, तो संयोग विरले ही में देखने को मिलता है। मूंगे से बने बप्पा भक्तों की हर तकलीफ हर दुख को हर कर मांगलिक दोषों से दिलाते हैं छुटकारा और करते हैं उनकी हर मनोकामना को पूर्ण। आजमगढ़ की पवित्र धरती जहां बसता है बाप्पा का दरबार और जहां आराध्य की एक झलक से पूरी होती है भक्तों की हर मुराद। मुगल काल में पॉलिश हुई मूर्ति, जी हां, ये है मूंगे के गणपति जी का चमत्कार। वैसे तो ये मूर्ति मूंगे से बना है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसका रंग ऐसा क्यों है, तो हम आपको बता दें कि मुगल काल में मूंगे की इस मूर्ति को पॉलिश कर दिया गया, तभी से मूंगे के गणपति का रंग बदल गया। गणपति की इस मूर्ति को ध्यान से देखिए। गौर से देखने पर इसकी एक और खासियत नजर आती है, और वो ये कि इनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। जी हाँ, दक्षिणामुखी गणपति हैं ये, जो कहते हैं कि विरले ही देखने को मिलते हैं। गणपति का ये रूप ना सिर्फ दुर्लभ है, बल्कि भक्तों के सारे काम सिद्ध करने वाला है, भक्तों की हर मुरादें पूरी करने वाला है, मांगलिक दोषों को दूर करने वाला है। ये ऐतिहासिक मंदिर है, ये मूंगा की मूर्ति है और दक्षिण मुखी गणेश जी की मूर्ति है। ये दुर्लभ प्रतिमा है, पूरे भारत में ऐसी प्रतिमा कहीं भी नहीं है। इस मूर्ति का जिक्र शिव पुराण में भी मिलता है और ये लगातार यहाँ पर लोगों की जितनी भी मनोकामनाएं हो पूर्ण होती हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। कहते हैं कि गणपति की अद्भुत मूर्ति स्वयंभू है, जिसे त्रेता युग में भगवान राम ने स्थापित किया था। कहते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम जब चित्रकूट जाने के लिए निकले तो रास्ते में इसी जगह रुके थे और यहीं उन्होंने गणेश जी की आराधना की थी। कहते हैं तभी यहाँ गणपति प्रकट हुए, जो आज भी इस जगह विराजमान है। मूंगे के दक्षिणामुखी गणपति के इस अद्भुत रूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त दौड़े चले आते हैं और अपने आराध्य की एक झलक पाकर अपने सारे दोषों से मुक्ति पाते हैं। माता जाकी पार्वती पिता। राजीव कुमार, आजमगढ़, आज तक। पार्वती पिता। गुलाबी नगर यानी कि पिंक सिटी जयपुर के नहर गणपति का दरबार, जो अपने आप में बेहद अनोखा है। जहां एक तरफ बप्पा की प्रतिमा दक्षिण मुखी है, तो वहीं बप्पा की सूंड भी दक्षिण मुखी है। आमतौर पर बप्पा की प्रतिमा में ऐसा संयोग कम ही देखने को मिलता है और अपने सिद्धि विनायक रूप में नहर गणपति पूरी करते हैं सबकी मुराद। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। गुलाबी नगर को नहलाती भोर की ये सुनहरी किरणें और सूर्य की दस्तक पाकर जागता राजे रजवाड़ों का शहर जयपुर, जिसकी प्रसिद्धि और समृद्धि में समाहित उनका आशीष, जिनके दरबार में पूरी होती है हर मनोकामना, मिलता है सुख समृद्धि का आशीर्वाद, और वो दरबार है प्रथम पूज्य सर्व सिद्धिदायक भगवान श्री गणेश का। जयपुर में नाहरगढ़ की सुंदर पहाड़ियों के बीच अति प्राचीन मंदिर में विराजते हैं बाप्पा और कहलाते हैं नहर वाले श्री गणेश जी। नहर के श्री गणेश जी का मंदिर राजस्थान के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। कहते हैं श्री गणेश का जो स्वरूप इस मंदिर में विराजमान है, स्वयं श्री गणेश ने अपनी आराधना के दौरान इस स्वरूप को बताया था। जयपुर शहर में स्थित नहर श्री गणेश के मंदिर में हजारों श्रद्धालु अपनी सुख समृद्धि की आस लेकर आते हैं और संतोष से भरा हृदय लेकर जाते हैं।
सोने चांदी के सुंदर पत्रों से सुशोभित इस मंदिर में विराजित नहर गणेश की यह विशाल प्रतिमा कभी जयपुर के जंगलों में नहरों के बीच हुआ करती थी। अब नहर तो नहीं बची, लेकिन नहर वाले गणपति के नाम से इस मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैल गई। मान्यता है कि इस मंदिर में सुशोभित बाप्पा की प्रतिमा सबसे अलग है, क्योंकि इस प्रतिमा को सिद्धि विनायक का स्वरूप माना जाता है, जिसमें बाप्पा का मुख दक्षिणाभिमुख है, वहीं उनकी सूंड भी दक्षिणावर्ती है। आमतौर पर गणपति के प्रतिमा में ऐसा संयोग विरले ही देखने को मिलता है। कहते हैं अगर यात्रा प्रारंभ करने के दौरान गणपति के ऐसे रूप के दर्शन कर लिए जाएं, तो यात्रा के पूर्ण होने का आशीर्वाद दे देते हैं बाप्पा। सर्वप्रथम विशेषता जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो गणपति के यहाँ पे ये विशेषता है कि गणपति दक्षिणावर्ती शुंड है और दक्षिणाभिमुख है। ये जो समावेश है दक्षिणावर्ती शुंड और दक्षिणाभिमुख, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। और गणेश पुराण में ये उक्ति वहाँ पे उद्धृत है कि अगर हम कहीं यात्रा में भी जा रहे हैं और अगर ऐसे गणपति का मंदिर है और उसको उलांग करके हम यात्रा कर रहे हैं तो उसकी सफलता नहीं होगी उस यात्रा की, तो उन गणपति के दर्शन करना अनिवार्य है। लगभग पौने 200 साल पुराने इस मंदिर में विराजित गजानन की विशाल प्रतिमा के दोनों ओर गुप्त रूप से उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि विराजमान हैं, और आगे हैं उनकी सवारी मूषक। मान्यता है कि इनके आगे आकर अगर अनायास ही कोई मनोकामना मन में आ जाए तो वो भी सहज ही पूरी हो जाती है। नहर श्री गणेश के एक हाथ में शस्त्र है तो दूसरा हाथ खुला हुआ रहता है, यानी अगर वो भक्तों को आशीर्वाद देते हैं तो बुरे लोगों का संहार भी करते हैं। यदि कोई बुरा विचार लेकर मंदिर में प्रवेश करेगा तो उसका अनिष्ट निश्चित है। प्रच्छन्न रूप से, गुप्त रूप से रिद्धि और सिद्धि का समन्वय है। सिद्धि के रूप में आप देखेंगे दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और रिद्धि के रूप में मोदक वाम हस्त में। आप ऊपर देखेंगे तो दो चार भुजाएं हैं, तो दोनों जो ऊपर की भुजाएं हैं उनमें अंकुश परशु की हैं। कहते हैं रिद्धि सिद्धि की कामना के साथ जो भी भक्त यहाँ आकर एक बार दर्शन पूजन कर लेता है उसके जीवन से दुखों का अंधेरा छट जाता है। नौकरी, व्यापार, संपत्ति और संतान का आशीर्वाद पाना हो या फिर मनचाहे जीवन साथी की कामना हो, गजानन महाराज के इस दरबार में हर मनोकामना पूर्ण होती है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।